आपके एनसीईआरटी की बुक में जो एटम्स हैं उसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी गई है थॉमसन मॉडल की, ये आपने केमिस्ट्री में किया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस और माइनस का, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिमिटेशन बता देता हूँ, लिमिटेशन में थॉमसन मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दी ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन का ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था, और ना ही ये दे पाया था कि स्कैटरिंग एंगल अल्फा पार्टिकल का क्यों आया जब रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि न्यूक्लियस नाम की कोई चीज़ उसने बताई नहीं, तो स्कैटरिंग की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया अल्फा पार्टिकल की, इसकी लिमिटेशन थी। फिर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आया, ये हमने ऑलरेडी कर लिया आज के लेक्चर में, तो यहाँ से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। ऑब्जर्वेशन में ग्राफ मार्क कर लो, ग्राफ के अंदर ये है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, मतलब कितने पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो गए, और एक्स एक्सिस पे स्कैटरिंग एंगल है। अब याद करो जो तो बिल्कुल सेंट्रल लाइन के क्रॉस आ रहा है उसका स्कैटरिंग एंगल 180 है, फिर वन ग्रेटर देन 90 है, फिर बहुत दूर वालों का तो सीधे चले गए, जीरो ही है बिल्कुल, वो तो स्कैटर हुए ही नहीं, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ कुछ डिफ्लेक्ट हुए क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, तो डिफ्लेक्शन कुछ कुछ पार्टिकल की ही हुई। आप चेक करो ये आपका स्कैटरिंग एंगल जीरो है, जीरो का मतलब तो बिल्कुल सीधे निकल गए यार, जो बिल्कुल सीधे निकल गए वो तो मैक्सिमम थे, ये देखो मैक्सिमम पार्टिकल सीधे निकल गए, डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ता जा रहा है, 180 180 वाले तो बहुत फ्यू हैं, बहुत कम है, ज्यादातर पार्टिकल कैसे निकल गए, सीधे निकल गए, बस ग्राफ मार्क कर लो और जरूरत नहीं है, बाकी आपने किया हुआ है इसमें। तो ये डायग्राम हमने कर लिया एक्सप्लेन, आज यहीं से स्टार्ट किया था लेक्चर हमने, करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को क्रॉस कर दो, लिख दो फ्रॉम हैंड रिटन बुकलेट, कर लिया हमने वहां से, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये सब क्रॉस कर सकते हो, ये कर लिया हमने। इम्पैक्ट पैरामीटर कर लिया हमने, इम्पैक्ट पैरामीटर डन। इम्पैक्ट पैरामीटर का ग्राफ देख लो, ये ग्राफ, इस ग्राफ में क्या गिवन है, ये इम्पैक्ट पैरामीटर है। इम्पैक्ट पैरामीटर याद है, सेंट्रल लाइन से आपका अल्फा पार्टिकल कितनी दूरी पे है उसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का ग्राफ बनाना है, टारगेट न्यूक्लियस, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, इस पे हिट करना है, तो जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो है, जीरो समझते हो, बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे है, तो अगर इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो है तो वो पार्टिकल जाएगा और सीधा वापस आ जाएगा, लेकिन जिनका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पैरामीटर है वो सेंटर लाइन से ऊपर है वो 180 पे वापस नहीं आएंगे, तो ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, और अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत बड़ा है तो लेस देन 90, और अगर और बड़ा है तो पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे, मुड़ेंगे नहीं। क्लियर है यहां तक? तो अगर ग्राफ प्लॉट करने को आ जाए तो ये पढ़ा जाएगा ग्राफ क्या है। नेक्स्ट है एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये आने वाले टाइम में पढ़ेंगे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। वैसे सबको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में है उसको अगर हम पोटेंशियल दें, मतलब हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एनर्जी लेके वो हायर शेल पे चला जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, वो एक्साइट हो गया, तो हमने जो पोटेंशियल दिया उसका नाम है एक्साइटेशन पोटेंशियल। और एक होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आपने पोटेंशियल कुछ ज्यादा ही प्रोवाइड कर दिया जिससे कि एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के भाग गया, इतनी एनर्जी थी तो आयनाइज हो गया, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसके बारे में डिटेल हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, इसको यहां से करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स हमने यहां से करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डन, आज के एग्जाम्पल्स हमने कर लिए। फिर न्यूक्लियाई के बारे में बता रखा है, न्यूक्लियाई में क्या एटॉमिक नंबर है, मास नंबर क्या होता है, इस सारा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ए फॉर एटॉमिक मास नंबर, जेड फॉर एटॉमिक नंबर, ये सारा आपने स्टडी किया हुआ है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर साइज,